देखिए, आज से तकरीबन 20 साल पहले डोगरा सदर सभा की मीटिंग में हमारे बुज़ुर्ग बाहर से इसी मौसम में आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने परिंदों को मरे हुए देखा, तड़पते देखा था, तो पता किया कि वो प्यास से पानी के बिना मर रहे थे। और यहाँ आकर जब ये मीटिंग के अंदर फैसला हुआ कि भाई ये हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया था, हमारे संस्कारों में है कि सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ता करने से पहले हम पक्षियों के लिए पानी रखें और दाने रखें ताकि उनकी चहचहाक भी सुने, क्योंकि वो पर्यावरण का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो यहाँ पर सभा में फैसला किया कि उस प्रथा को फिर से हम जिंदा करेंगे, और इसलिए बिला लिहाज मजहब मिलत इस सभा के अंदर जितने लोग बैठे हैं, आइए प्रण करें कि हम सुबह खुद नाश्ता करने से पहले पक्षियों के लिए पानी भी रखेंगे। और वही पुराना रिवाज, शिक्कियों में प्याले रखते थे मिट्टी के, पानी के भरकर, और परिंदे आकर पानी पीते थे, दाने खाते थे, उसी रिवायत को हम जिंदा करेंगे। मुझे खुशी है अब ये मूवमेंट बन चुकी है, उसी को लेकर हर साल जो 5 मई में होता है, इस दफ़ा चूँकि बुद्ध पूर्णिमा थी 5 मई को, तो 5 के बजाय 6 मई को आप देख रहे हैं डोगरा सदर सभा के अंदर सैकड़ों की तादाद में स्कूलों के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और अपने अपने वो प्ले कार्ड बनाकर, कई ने तो कार्ड बना के अपने जेब पर यहाँ लगाए हुए हैं, अपने छाती पर लगाए हुए हैं कि हम पक्षियों को पानी पिलाएंगे, और उस एक इस मूवमेंट को लेकर आगे चल रहे हैं। आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर शिक्कू बांटे जा रहे हैं, और उसके बाद रैली की शक्ल में यहाँ जनाना पार्क और आसपास चौकों के अंदर वो शिक्कू लटकाए जाएंगे, और सब बच्चों को फिर संदेश दिया जाएगा कि अपने स्कूलों के पास, अपने घरों के पास, अपने मोहल्लों में, चूँकि वाटर बॉडी सूख चुकी हैं, तालाब कैप्चर हो चुके हैं, लोगों की भूख इतनी बढ़ती जा रही है पैसे की, कि आज ये सारी तबाही हो रही है, तो उसको देखते हुए यही एक माध्यम बचता है, तो वो हम ये करेंगे, उसको लेकर आज ये फंक्शन है। यहाँ बड़े हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सीनियर लोग, और हमारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, स्कूलों के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे।